नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं इस वक्त भारत से बहुत दूर हूं और उस चांद से भी जहां भारत पहुंचने वाला है। लेकिन मैं जिस चांद की बात करने जा रहा हूं, वहां गड्ढे ज्यादा हैं और वो किसी की मुट्ठी में बंद हो गया है। दुनिया भर में सूरज की आग में तपते लोकतंत्र को चांद की ठंडक तो चाहिए। ये ठंडक आएगी कहां से? सूचनाओं की वास्तविकता से, प्रामाणिकता से और पवित्रता से और साहस से, ना कि नेताओं की ऊंची आवाज से। सूचना जितनी पवित्र होगी, प्रामाणिक होगी, नागरिकों के बीच भरोसा उतना ही गहरा होगा। देश सही सूचनाओं से बनता है। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और झूठे इतिहास से हमेशा भीड़ बनती है। रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हिंदी में बोलने का मौका दिया, वरना मेरी माँ और भाभी नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 महीने पहले जब मैं प्राइम टाइम की तैयारी में डूबा हुआ था, तभी सेलफोन बजता है। कॉलर आईडी पर फिलीपींस लिखा हुआ था। मुझे लगा किसी ट्रोल ने फ़ोन किया है। यहाँ के नंबर से मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है। अगर वो लोग वाकई यहाँ रहते हैं तो उनका इस हॉल में भी स्वागत है। मैं आ गया हूं। फिलीपींस का नंबर उठाने के बाद जब मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि अब मैं आपको एक ट्रोल की भाषा सुनाता हूं, और मैंने फोन को स्पीकर फोन पे ऑन कर दिया, लेकिन अच्छी सी अंग्रेजी में एक महिला की आवाज आई, मे आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर रवीश कुमार। हजारों ट्रोल में आज तक एक भी महिला की आवाज नहीं आई। मैंने फोन को तुरंत ही स्पीकर फोन से हटा लिया। उसी तरह से, उस तरफ से आ रही आवाज मुझसे पूछ रही थी कि मुझे इस साल का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, क्या मैं स्वीकार करता हूं? मैंने स्वीकार किया और यहां पर हूं। मैं यहां नहीं आया हूं, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है, दब्बू हो गई है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं कि पावर ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म, जिस पे मुझे बोलना है। ये समय नागरिक होने के इम्तहान का समय है, नागरिकता को फिर से समझने का समय है और उसके लिए लड़ने का समय है। ये जानते हुए कि इस समय में नागरिकता पर चौतरफा हमला हो रहा है और सत्ता की निगरानी और नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, एक व्यक्ति और एक समूह के तौर पर जो इस हमले को खुद को बचा लेगा और इस लड़ाई में माँझ लेगा, वही नागरिक भविष्य को बेहतर समाज और सरकार की बुनियाद रखेगा। दुनिया ऐसे नागरिकों की जिद से भरी हुई है। नफरत के माहौल और सूचनाओं के सूखे में कोई है जो इस रेगिस्तान में कैक्टस के फूल की तरह खिला हुआ है? रेत में खड़े पेड़ कभी ये नहीं सोचते कि उनके होने का मतलब क्या है। जहां कहीं भी वो दूसरों के लिए खड़ा होता है ताकि दूर से दिख जाए कि यहां भी हरियाली हो सकती है। जहां कहीं भी लोकतंत्र हरे मैदान से रेगिस्तान में सबवर्ट किया जा रहा है, वहां आज नागरिक होने और सूचना पर उसके अधिकारी होने की लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है, मगर असंभव नहीं है। नागरिकता के लिए जरूरी है कि सूचनाओं की स्वतंत्रता और प्रामाणिकता हो। आज स्टेट, सत्ता का मीडिया और उसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल हो चुका है स्टेट का। मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिकता का दायरा छोटा होना। मीडिया अब सर्वेलांस स्टेट का पार्ट है, जो निगरानी करता है। अब वो फोर्थ स्टेट नहीं है, बल्कि फर्स्ट स्टेट है। प्राइवेट मीडिया और गवर्नमेंट मीडिया का अंतर पूरी तरह से मिट गया है। इसका काम ओपिनियन को डाइवर्सिफाई करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल करना है। ऐसा भारत और दुनिया के कई देशों में हो रहा है।
न्यूज चैनलों के डिबेट की भाषा लगातार लोगों को उसके अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा से बाहर निकालने का मौका खोजते रहती है। इतिहास और सामूहिक स्मृतियों को हटाकर उनकी जगह एक पार्टी का राष्ट्र और इतिहास लोगों पर थोपा जा रहा है। मीडिया की भाषा में दो तरह के नागरिक हो गए हैं, एक नेशनल है और एक एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल वह है जो सवाल करता है, असहमति रखता है। असहमति लोकतंत्र और नागरिकता की आत्मा है। उस आत्मा पर रोज हमले होते हैं। जब नागरिकता खतरे में हो या उसका मतलब ही बदल दिया जाए, तब उस नागरिक की पत्रकारिता कैसी होगी, तब सिटीजन जर्नलिज्म उस माहौल में कैसा होगा। नागरिक तो दोनों हैं, जो खुद को नेशनल कहता है और जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है वो भी तो नागरिक है। दुनिया के कई देशों में ये स्टेट सिस्टम, जिसमें न्यायपालिका भी है और लोगों के बीच लेजिटिमाइज हो चुका है ये नया सिस्टम, फिर भी हम कश्मीर और हांगकांग के उदाहरण से समझ सकते हैं कि लोगों के बीच लोकतंत्र और नागरिकता की क्लासिक समझ अभी भी बची हुई है और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आखिर क्यों हांगकांग में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों का सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं रहा, उन्होंने उस भाषा पर भी विश्वास नहीं किया जिसे सरकारें जानती हैं, जो मुख्य धारा की मीडिया की भाषा है। इसलिए उन्होंने अपनी नई भाषा गढ़ी और उसमें आंदोलन की रणनीति को कम्युनिकेट किया। ये नागरिक होने की रचनात्मक लड़ाई है जो हांगकांग ने लड़ी। हांगकांग के नागरिक अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन जगहों के समानांतर, मुख्य धारा के मीडिया के समानांतर नई जगहें पैदा कर रहे हैं, जहां लाखों लोग नए तरीके से बात कर रहे हैं, नए तरीके से लड़ रहे हैं, पल भर में जमा होते हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं, अपना ऐप बना लिया है और मेट्रो के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खरीदने की रणनीति अपनी बदल ली है, फोन के सिम कार्ड का इस्तेमाल बदल लिया है, कंट्रोल के इन सामानों को नागरिकों ने कबाड़ में बदल दिया है। यह प्रोसेस बता रहा है कि स्टेट ने नागरिकता की लड़ाई अभी पूरी तरह से नहीं जीती है। हांगकांग के लोग सूचना संसार के आधिकारिक नेटवर्क से खुद ही अलग हो गए और अपनी लड़ाई जीत गए। कश्मीर में दूसरी कहानी है। वहां कई दिनों के लिए सूचना तंत्र को ही बंद कर दिया गया। 1 करोड़ से अधिक की आबादी को सरकार ने सूचना संसार से ही अलग कर दिया। इंटरनेट शटडाउन हो गया, मोबाइल फोन बंद हो गए, सरकार के अधिकारी प्रेस का काम करने लगे और प्रेस के लोग सरकार का काम करने लगे। क्या बगैर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के सिटीजन की कल्पना कर सकते हैं, वो बेचैनियां क्या होती होंगी जब अखबार पहुंचना बंद हो जाए, जब आप किसी से बोल ना पाएं, अपना हाल दूसरे का ना बता पाएं, दूसरे से ना जान पाएं। क्या होगा जब मीडिया, जिसका काम सूचनाएं एकत्र करना है, सूचना के तमाम नेटवर्क अचानक बंद कर दिए जाए, तब क्या होगा? और मीडिया उसका समर्थन करने लगे कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और वो उस सिटीजन के भी खिलाफ हो जाए जो अपने स्तर पर सूचना ला रहा है या सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिज्म नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सिटीजन जर्नलिज्म कैसे कर सकता है? यह उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के पड़ोसी देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में निचले पायदान पर हैं। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, नीचे की रैंकिंग में ये सब पड़ोसी हैं। पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अपने न्यूज़ चैनलों को, जिसने निर्देश देता है कि कश्मीर पे किस तरह से प्रोपेगेंडा करना है, भारत के खिलाफ कैसे रिपोर्टिंग करनी है। इसे वैसे तो सरकारी भाषा में सलाह, एडवाइस कहा गया है, मगर होता यह है कि ये निर्देश है। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे 15 अगस्त के दिन स्क्रीन को खाली रखना है ताकि वो कश्मीर के समर्थन में काला दिवस मना सके पाकिस्तान।
जिसकी समस्या का एक बड़ा कारण खुद वह भी है, फिजूल की बेएतबारी। मैं दोहराना चाहता हूं, फिजूल की बेएतबारी जहालत और बुजदिली की निशानी है। गांधी जी ने कहा है 1 जनवरी 1948 को। दूसरी तरफ जब कश्मीर टाइम्स की अनुराधा भसीन भारत की सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, तो उनके पीछे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी चला जाता है, ये कहने कि कश्मीर घाटी में मीडिया पर लगे बैन का वो समर्थन करता है। मेरी राय में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का दफ्तर एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए। इस बात पर लड़ाई हो सकती है कि प्रथम तल पर किसका दफ्तर होगा और द्वितीय तल पर किसका दफ्तर होगा। अच्छी बात यह रही कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी राय बदल ली। गनीमत है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर में मीडिया पर लगी रोक की निंदा की थी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी बहुत आलोचना की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोनों देशों के नागरिकों को सोचना होगा कि लोकतंत्र मजाक नहीं है, वो एक सीरियस बिजनेस है। क्या वो बगैर सूचनाओं के, सही सूचनाओं के, अपने देश के भीतर और दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ संवाद कायम कर सकते हैं, और करेंगे भी तो क्या उसमें वो विश्वसनीयता रहेगी जिसके लिए वो चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो। होली नहीं है कि इधर से एक गुब्बारा मारा और उधर से पानी में रंग डालकर, पानी ज़्यादा भर के रंग के नाम पर गुब्बारा मार दिया। वैसे भारत के न्यूज़ चैनल आजकल परमाणु हमले के समय बचने की तैयारी का लेक्चर भी दे रहे हैं, तो अपना तौलिया भिंगा कर रखिएगा और घर में बेसमेंट बनवा लीजिए, भले छत ना हो, क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल हिंदुस्तान के परमाणु हमले की तैयारी सिखा रहे हैं बचने की। आप हंसे नहीं, वो अपना काम सीरियसली कर रहे हैं। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में आज के विषय के टॉपिक को फ्रेम कर लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है दुनिया भर में, और उसके बीच एक सिटीजन जर्नलिज्म बिना किसी पावर के खड़ा है, वो क्या कर सकता है। ये तो वही मीडिया जिसने अपने खर्चे में कटौती के लिए सिटीजन जर्नलिज्म को गढ़ना शुरू किया, जिसने आज पूरी मीडिया को ख़त्म कर दिया है। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने, उसी ने सिटीजन जर्नलिज्म को क्रिएट किया। इसके जरिए मीडिया ने अपने रिस्क को आउटसोर्स कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर सिटीजन जर्नलिज्म और मेन स्ट्रीम मीडिया के बाहर के सिटीजन जर्नलिज्म दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में लोग सवाल करने लगे तो यह मीडिया सोशल मीडिया के खिलाफ हो गया मेन स्ट्रीम। न्यूज रूम के भीतर ब्लॉग और वेबसाइट बंद किए जाने लगे, आज भी हो रहे हैं। आज भी कई सारे न्यूज रूम में पत्रकारों को पर्सनल ओपिनियन लिखने की अनुमति नहीं है। यह अलग बात है कि उसी दौरान बगदाद बर्निंग ब्लॉग के जरिए 24 साल की छात्रा रिवरबैंड, असल नाम इनका सार्वजनिक कभी नहीं किया गया, कि इराक पर हुए हमले, युद्ध और तबाही की रोज की स्थिति ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में आ रही थी, और जिसे साल 2005 में बगदाद बर्निंग गर्ल ब्लॉग फ्रॉम इराक शीर्षक से किताब की शक्ल में पेश किया गया। तो दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने माना कि जो काम सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की ने किया वो हमारे पत्रकार भी नहीं कर पाए। ये सिटीजन जर्नलिज्म है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाहर हुआ है। आज कोई लड़की कश्मीर में बगदाद बर्निंग की तरह ब्लॉग लिख दे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसे एंटी नेशनल बताएगा। मीडिया लगातार सिटीजन जर्नलिज्म के स्पेस को एंटी जर्नलिज्म के नाम पर डीलेजिटिमाइज, अवैध करने में लगा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट, हित, दिलचस्पी अब पत्रकारिता में नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर मीडिया स्टेट का भागीदार है, उसका दोस्त है। मेरे ख्याल से सिटीजन जर्नलिज्म की कल्पना का बीज इसी वक्त के लिए किया गया होगा जब मीडिया या मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म सूचना के ही खिलाफ हो जाए, उसे हर वो आदमी देश के खिलाफ नजर आने लगे जो सूचना पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
मेनस्ट्रीम मीडिया नागरिकों को सूचनाओं से वंचित करने लगा है, असहमति की आवाजों को गद्दार कहने लगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये नागरिक होने का टेस्टिंग टाइम है, इम्तिहान का वक्त है। जब मीडिया ही सिटीजन के खिलाफ हो जाए तो फिर सिटीजन का मीडिया बनना ही लाजमी है। पर जानते हुए कि स्टेट कंट्रोल के इस दौर में सिटीजन और सिटीजन जर्नलिज्म दोनों के खतरे बहुत बड़े हो गए हैं, तो सफलता बहुत दूर नजर आती है। उसके लिए स्टेट के भीतर से इंफॉर्मेशन सूचना हासिल करने के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया सिटीजन जर्नलिज्म में कॉस्ट कटिंग और प्रोपेगेंडा का स्कोप बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए उसका सरकार का पीआर होना बहुत जरूरी है। सिटीजन जर्नलिज्म सड़क पर संघर्ष कर रहा है कि कैसे वो जनता के सपोर्ट पर सरकार और विज्ञापनों के जाल से बाहर रह सके। अभी सफलता बहुत दूर है। भारत का मेनस्ट्रीम मीडिया पढ़े लिखे नागरिकों को दिन रात पोस्ट इलिटरेट फिर से गैर साक्षर बनाने में लगा है। वह अंधविश्वास से घिरे नागरिकों को सचेत और सतर्क समर्थ नागरिक बनाने का प्रयास छोड़ चुका है, जिसका जनादेश संविधान ने देश के हर नागरिक को और देश की हर सरकारों और संस्थाओं को दिया है। अंध राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता उसके सिलेबस का हिस्सा है। ये स्टेट के नैरेटिव को पवित्र सूचना मानने लगा है। अगर आप इस मीडिया के जरिए किसी डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसे लोकतंत्र की तस्वीर बनाता है जहां सारी सूचनाओं का रंग अब एक हो गया है, उसका सियासी रंग भी एक हो गया है, और उसका एक रंग है झूठ। यह रंग सत्ता के रंग से मेल खाता है। कई सौ चैनल हैं मगर सारे चैनलों पर एक ही अंदाज में एक ही प्रकार की सूचना और डिबेट है। एक तरह से सवाल फ्रेम किए जा रहे हैं ताकि सूचना के नाम पर धारणा फैलाई जा सके। इंफॉर्मेशन में धारणा ही सूचना है, परसेप्शन इज द न्यू इंफॉर्मेशन, जिसमें हर दिन नागरिकों को डराया जा रहा है। अगर आपको गलत सूचनाओं से भर दिया जाए तो आप डरे ना भी तो भी आप एक कमजोर नागरिक बन रहे हैं। आपका मेनस्ट्रीम मीडिया आपको बुजदिल बना रहा है, आपको भीड़ बना रहा है, आपके बीच असुरक्षा पैदा कर रहा है कि बोलने पर आपके अधिकार ले लिए जाएंगे। जिस तरह से उन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, आपको भी एंटी नेशनल कहा जाएगा और उसके खतरे फिर बड़े हो जाएंगे। इस मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए विपक्ष अपोजिशन एक गंदा शब्द है, गाली है। वो हमेशा विपक्ष पर हमले करता है और सरकार की खुशामद करता है। जब मेनस्ट्रीम मीडिया में विपक्ष और असहमति गाली बन जाए तब असली संकट नागरिकों पर ही आएगा। दुर्भाग्य से इस काम में न्यूज चैनलों की आवाज सबसे कर्कश और ऊंची है। एंकर अब बोलता नहीं है, चीखता है, ललकारता है। भारत में कुछ बहुत कुछ शानदार है। मेरे देश में एक महान देश है, इसकी उपलब्धियां आज भी दुनिया के सामने नजीर हैं, लेकिन इसके मेनस्ट्रीम और टीवी मीडिया का ज्यादातर हिस्सा गटर हो गया है। भारत के नागरिकों में लोकतंत्र का जज्बा बहुत खूब है, लेकिन न्यूज चैनलों का मीडिया उस जज्बे को हर रात कुचलने आ जाता है। लाखों नौजवान, लाखों साधारण लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर हर दिन प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं और सबूत दे रहे हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल जिंदा है, फल फूल रहा है, मगर मेनस्ट्रीम मीडिया उनकी परवाह नहीं करता है। भारत में शाम तो सूरज डूबने से होती है, लेकिन रात का अंधेरा न्यूज़ चैनलों की खबरों से होता है। भारत में लोगों के बीच लोकतंत्र जिंदा है। हर दिन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर मीडिया अब इन प्रदर्शनों की स्क्रीनिंग करने लगा है। उसमें से लोगों को ढूंढ रहा है बताने के लिए कि यहाँ जमा हुए लोग एंटी नेशनल है। ये लोगों के लिए खतरे की घंटी है। आज नहीं तो 10 साल बाद मेरी हर बात को
याद करेंगे। इनकी अब खबरें नहीं बनती, मीडिया के लिए इनका प्रदर्शन एक फालतू काम है, मगर डेमोंस्ट्रेशन के बगैर कोई भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। प्रदर्शनों के बिना कोई लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं हो सकता, कभी होगा भी नहीं। इन प्रदर्शनों में शामिल लाखों लोग अब खुद से अपना वीडियो बनाने लगे हैं, फोन से बनाए गए उस वीडियो में खुद ही रिपोर्टर बन जाते हैं और घटनास्थल का ब्यौरा देने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ये रेलवे की फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री शायद प्राइवेटाइज होगी और सरकार इसे बंद करना चाहती है, हम प्रदर्शन पर निकले हैं और यहाँ पर कोई मीडिया नहीं आया है। जैसे बाद में प्रदर्शन में आए लोगों को इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड किया जाता है, इन्फॉर्मेशन का मीडिया उन्हें जिस नागरिकता का पाठ पढ़ा रहा है, आज का मीडिया उन्हें जिस नागरिकता का पाठ पढ़ा रहा है, उसमें नागरिक का मतलब यह नहीं कि वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे। इसीलिए नागरिक अपने होने का मतलब बचाए रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वीडियो बनाने लगता है जो उस प्रदर्शन में आया होता है। आंदोलन करने वाले सिटीजन जर्नलिज्म करने लगते हैं, अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगते हैं। जब स्टेट और मीडिया एक होकर सिटीजन को कंट्रोल करने लगे, तब क्या कोई सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में एक्ट कर सकता है? सिटीजन बने रहने और उसके अधिकारों को एक्सरसाइज करने के लिए इकोसिस्टम भी उसी डेमोक्रेसी को प्रोवाइड कराना होता है, उपलब्ध कराना होता है। अगर कोर्ट, पुलिस और मीडिया हॉस्टाइल हो जाए, विरोधी हो जाए, फिर सोसाइटी का वो हिस्सा जो स्टेट बन चुका है, स्टेट का समर्थक हो चुका है, आपको एक्सक्लूड बहिष्कृत करने लगे, तो हर तरह से निहत्था होकर एक आम नागरिक किस तरह से किस हद तक लड़ सकता है, ये हम सबको सोचना है, पूरी दुनिया को सोचना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में लड़ने वाले लोग अब भी हैं। मुझे हर दिन व्हाट्सएप पे 500 से 1000 मैसेज आते हैं, कभी कभी यह संख्या ज़्यादा भी होती है। हर दूसरे मैसेज में लोग अपनी समस्या के साथ पत्रकारिता का मतलब भी लिखते हैं, बताते हैं। मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया के लोग भले ही पत्रकारिता की परिभाषा भूल गए हों, लेकिन जनता को याद है कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। जब भी मैं अपने व्हाट्सएप को खोलता हूँ ये देखने के लिए कि मेरे ऑफिस के ग्रुप में किस तरह की सूचना आई है, क्या बात हो रही है, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मैं हजारों लोगों की सूचना को देखने में ही उलझ जाता हूँ, इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप को पब्लिक न्यूज़ रूम कहता हूँ। देश भर में मेरे नंबर को ट्रोल ने वायरल किया, लोगों तक पहुँचाया कि मुझे गाली दी जाए, मुझे धमकियाँ दी जाएँ, मेरी माँ और बहनों के बारे में अनाप शनाप कहा जाए। गालियां भी आईं, धमकियां भी आईं, आती भी रहती हैं, आ भी रही हैं, लेकिन उसी नंबर से चलकर वो लोग भी आए जिनकी आवाज़ इस मीडिया के माध्यमों की बहुलता के दौर में भी दबा दी गई है। अपनी और अपने इलाके की खबरों को लेकर आए, ये वो खबरें हैं जो न्यूज़ चैनलों की परिभाषा के हिसाब से ख़त्म हो चुकी हैं, मगर उन्हीं चैनलों को देखने वाले ये लोग जब खुद परेशानी में पड़ते हैं तो उन्हें पत्रकार होने का मतलब समझ आता है और उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इस शहर में चाटुकार कौन है, पत्रकार कौन है। उनके जहन से पत्रकारिता का मतलब अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वो समझ अभी भी क्लासिक के तौर पर बची हुई है। जब रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने रूलिंग पार्टी ने मेरे शो प्राइम टाइम का बहिष्कार किया, तब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। उस समय वही यही वो लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याओं से मेरे शो को भर दिया, और ये लोग रूलिंग पार्टी के भी समर्थक थे। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर जर्नलिज्म और सत्ता के खिलाफ बोलने वाले तक को आउटसोर्स कर दिया था, जिसमें कि लोगों के बीच मीडिया का भ्रम तो बना रहे सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर, सिटीजन के इस समूह ने मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया। मीडिया का यही भविष्य होना है, उसके पत्रकारों को, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को सिटीजन जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा, ताकि लोग
सिटीजन बन सकें, जिनका काम पत्रकार होना है वो पत्रकार बन सकें। ठीक उसी समय में जब न्यूज़ चैनलों से आम लोग गायब कर दिए गए और उन पर डिबेट शो के जरिए पॉलिटिकल एजेंडा थोपा जाने लगा, एक तरह के नैरेटिव से, बहस से लोगों को घेरा जाने लगा, उसी समय में लोग इस घेरे को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। गालियों और धमकियों के बीच ऐसे मैसेज की श्रृंखला और संख्या बढ़ने लगी है जिनमें लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं। मैं लोगों की समस्याओं से अब ट्रोल किया जाने लगा हूँ और इसका मुझे सुखद एहसास है। क्या आप नहीं बोलेंगे, क्या आप सरकार से डरते हैं, ये आवाज़ उनके लिखे हुए हर मैसेज से आती है। मैंने उन्हें सुनना शुरू कर दिया। प्राइम टाइम का मिजाज, नेचर बदल गया। हजारों नौजवानों के मैसेज आने लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की परीक्षा 2 से 3 साल में भी पूरी नहीं करती है। जिन परीक्षाओं के रिजल्ट आ जाते हैं उनमें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं करती है। अगर मैं सारी परीक्षाओं में शामिल नौजवानों की संख्या का हिसाब लगाऊं, तो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे नौजवानों की संख्या करोड़ों में जा सकती है। प्राइम टाइम के जॉब सीरीज़ का असर होने लगा और देखते ही देखते कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी निकले, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा संख्या में परीक्षाओं के रिजल्ट आज तक नहीं निकले। सरकारों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिस स्टेट से मैं आता हूं बिहार, वहां 2014 की परीक्षा का परिणाम 2018 तक नहीं आया था। बस मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक न्यूज़ रूम में बदल गया। सरकार और पार्टी सिस्टम में जब मेरे सीक्रेट सोर्स किनारा करने लगे मुझसे बात करने में, खबरें देने में, तब पब्लिक मेरे लिए ओपन सोर्स बन गई, मुझे खबरें देने लगी। प्राइम टाइम अक्सर लोगों के भेजे गए मैसेज के आधार पर बनने लगा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का रिवर्स इस्तेमाल है। एक तरफ राजनीतिक दल का आईटी सेल, लाखों की संख्या में सांप्रदायिकता और ज़ेनोफोबिया, अंधराष्ट्रवाद फैलाने वाले मैसेज भेज रहा है और मेरे नंबर के साथ कि इन्हें इस तरह से गाली दी जाए, तो दूसरी तरफ से असली खबरों के मैसेज मुझे उन्हीं नंबर से पहुंच रहे हैं। मेरा न्यूज़ रूम एनडीटीवी के न्यूज़ रूम से शिफ्ट होकर लोगों के बीच चला गया है। यही भारत के लोकतंत्र की उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने न तो सरकार से उम्मीद छोड़ी है और न ही सरकार से सवाल करने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद किया है। तभी तो वो मेनस्ट्रीम मीडिया में अपने लिए एक छोटी सी खिड़की ढूंढ रहे हैं, या उन्होंने ढूंढ ली है। जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के झूठे और फर्जी सपने दिखाए जा रहे थे, तब कॉलेज के छात्र अपने क्लासरूम और टीचर की संख्या मुझे भेज रहे थे। 10,000 छात्रों पर 10-20 शिक्षक भी नहीं हैं बिहार के कॉलेज में। मैं वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता, लेकिन लोग उस कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ मुझ तक पहुंच चुके थे और वो दुनिया तक जा चुकी थी। मीडिया जिस दौर में स्टेट के हिसाब से सिटीजन को डिफाइन कर रहा है, इसी दौर में सिटीजन अपने हिसाब से मुझे डिफाइन कर रहा है, जैसा वो खुद है वैसा मुझे बनाना चाहता है। डेमोक्रेसी में उम्मीदों के कैक्टस खिल रहे हैं अभी। मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा। वो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक है। जब तक वो लड़की है, लोकतंत्र अपनी चुनौतियों को पार कर लेगा। उन बहुत से लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पहले ट्रोल किया, गालियाँ दी, मगर बाद में खुद से लिखकर माफ़ी मांगी, अफसोस जाहिर किया। अगर मुझे लाखों गालियाँ आई हैं, तो मेरे पास ऐसे हज़ारों मैसेज भी आए हैं जिसमें लोगों ने माफ़ी मांगी है। महाराष्ट्र के उस लड़के का मैसेज याद है जो अपनी दुकान पर टीवी पर चल रहे नफरत वाले डिबेट से घबरा उठता है और अकेले कहीं जाकर, जहां सामान रखे होते हैं, गोदाम में बैठ जाता है। जब वो घर में मेरा शो चलाता है तो उसके पिता और भाई बंद कर देते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, मेनस्ट्रीम मीडिया और आईटी सेल ने मेरे खिलाफ ये कैंपेन चलाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं
जिन्होंने जिन तक इस तरह के मैसेज हर दिन पहुंचाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के कैंपेन से घर घर में स्क्रीनिंग होने लगी है, लोग आईटी सेल का काम करने लगे हैं कि पिता अपनी बेटी को प्राइम टाइम देखने से रोकता है और भाई अपने छोटे भाई को, लेकिन फिर भी उन्हीं घरों में लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस लोकतंत्र में अभी भी जिंदा दिल लोग बाकी हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज सिटीजन जर्नलिस्ट होने के लिए आपको स्टेट और स्टेट की तरफ बर्ताव करने वाले सिटीजन से भी जूझना होगा। जो बड़ा भाई छोटे भाई को टीवी नहीं देखने दे रहा है, जो पिता अपनी बेटी को प्राइम टाइम नहीं देखने दे रहा है, वो स्टेट की तरफ बर्ताव करने वाला सिटीजन घर में पैदा हो गया है। यही डरने वाली बात है। चुनौती सिर्फ स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, राज्य जैसे हो चुके लोग भी हैं, सांप्रदायिकता से लैस, अंधराष्ट्रवाद और गलत सूचनाओं से लैस भीड़ के बीच दूसरे नागरिक भी डर जाते हैं, जो सरकार के समर्थक होते हैं, जो उन पार्टियों के समर्थक होते हैं, उनका जोखिम काफी बढ़ गया है। आपको अपने मोबाइल पर यह मैसेज देखकर घर से निकलना होता है कि मैसेज कर देने वाला आज मुझे लिंच कर देना चाहता है, मेरी हत्या कर देना चाहता है। इस तरह के मैसेज भी लिख कर भेजने का जो माहौल बना है, उसका एंटाइटलमेंट, उसका अधिकार बोध इतना ज्यादा हो गया है कि वो लिख कर मैसेज भेजता है कि मुझे आज लिंच कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा भीड़ के द्वारा घेर कर। उसे डर नहीं है कानून का, क्योंकि उसे भरोसा हो गया है कि सरकार का सिस्टम उसका साथ देगा, मेरा नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि यूपी के एक ज़िले में जब एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की नमक और नून खाने की, उसी के खिलाफ FIR हो गया, जांच बिठा दी गई, साजिश के आरोप लगा दिए गए। आज का सिटीजन बहुत दबाव में है, उसके सामने चुनौती है कि वो इस मीडिया से कैसे लड़े जो दिन रात उसी के नाम पर अपना धंधा करता है। हम इस मोड़ पर हैं जहां लोगों को सरकार तक पहुंचने के लिए मीडिया के बैरिकेड से लड़ना है, वरना उसकी आवाज व्हाट्सएप के इनबॉक्स में घूमती रह जाएगी। पहले लोगों को नागरिक बनना होगा, फिर स्टेट को बताना होगा कि उसका एक काम यह भी है कि वो हमारी नागरिकता के जरूरी तत्वों के लिए सबसे जरूरी निर्भीकता के माहौल को बनाए रखे। स्टेट को क्वेश्चन करने का माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। एक सरकार का मूल्यांकन आप तभी कर सकते हैं जब उसके दौर में मीडिया स्वतंत्र हो। इन्फॉर्मेशन के बाद अब अगला अटैक इतिहास पर हो रहा है, बल्कि साथ साथ हो रहा है, जिससे हमें ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उसी इतिहास को छीना जा रहा है। आज मेनस्ट्रीम मीडिया के पत्रकार बहुत डरे हुए हैं, और एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। आज़ादी के समय भी तो ऐसा ही था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, अनगिनत नाम हैं, ये सब सिटीजन जर्नलिस्ट थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने कुछ दिनों के लिए प्रेस को आने से रोक दिया। उन्हें पत्र लिखा कि आप चंपारण सत्याग्रह से दूर रहें। गांधी खुद किसानों से उनकी बात सुनने के लिए बैठ गए। चंपारण में गांधी के आसपास पब्लिक वहां की गरीब जनता न्यूज रूम बनाकर बैठ गई। आप उन तस्वीरों को देखिए कि एक एडिटर, गांधी एडिटर की तरह मेज पर बैठे हैं, और लोग जो हैं रिपोर्टर की तरह रोजाना की न्यूज मीटिंग में शामिल हैं। वो अपनी शिकायतें प्रमाण के साथ गांधी जी को बताने लगी वहां की जनता। उसी के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदल गया, जो आपके सामने है, जिसका नतीजा। मैं ऐसे किसी दौर या देश को नहीं जानता जो खबरों के बगैर धड़क सकता है, जिंदा रह सकता है। किसी भी देश को जिंदा दिल होने के लिए सूचनाओं की प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। सूचनाएं सही और प्रामाणिक नहीं होंगी तो नागरिक बदहवास हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर से सिटीजन जर्नलिज्म की ज़रूरत तेज़ हो गई है। वो सिटीजन जर्नलिज्म जो मेनस्ट्रीम मीडिया की कारोबारी स्ट्रेटजी से अलग है,
इस हताशा की स्थिति में भी, इस स्थिति में भी आज भी कई लोग इस गैप को भर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूट्यूब कर रहे हैं, ताकि सिटीजन जर्नलिज्म के एसेंस को, उसके भाव को जिंदा रखा जा सके। उनकी ताकत का असर यह है कि भारत के लोकतंत्र में अभी भी सब कुछ एक तरफा नहीं हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा हो गया है। जनता सूचना के क्षेत्र में अपने स्पेस, अपनी जगह बनाने की लड़ाई आज भी लड़ रही है और कल भी वो लड़ेगी, भले ही वो अब जीत नहीं पाएगी। महात्मा गांधी ने 12 अप्रैल 1947 की प्रार्थना सभा में अखबारों को लेकर एक बात कही थी, आज के डिवाइसिव मीडिया के लिए, दो धर्मों के बीच लड़ाने वाले मुख्य धारा की मीडिया के लिए गांधी के प्रवचन काम आ सकते हैं। गांधी ने एक बड़े अखबार के बारे में कहा जिसमें खबर छपी थी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में अब गांधी की कोई नहीं सुनता है। गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की। दोहरा दूं, गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की। आज अखबार डर गए हैं, वे अपनी आलोचना को, वो नागरिकों की आलोचना को देश की आलोचना बना देते हैं, जबकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया और खासकर न्यूज चैनलों की आलोचना अपने इस महान देश के हित में ही कर रहा हूं। मैंने कहा कि इसकी उपलब्धियां शानदार हैं, मगर मुख्य धारा का मीडिया गटर हो गया है। गांधी ने कहा था 12 अप्रैल 1947 को कि आप इन निकम्मे अखबारों को फेंक दें, कुछ खबर सुननी हो तो एक दूसरे से पूछ लें, अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझ कर अखबार चुन लें, जो हिंदुस्तान वासियों की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों, जो हिंदू और मुसलमान को मिलकर रहना सिखाते हों। भारत के अखबारों और चैनलों में हिंदू मुसलमान को लड़ाने भड़काने की पत्रकारिता हो रही है। गांधी आज होते तो यही कहते जो उन्होंने 12 अप्रैल 1947 को कहा था, जिसे मैं आज दोहरा रहा हूँ दूसरे शब्दों में, कि इन न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दीजिए, ये आपके और इस महान भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का दैनिक अभ्यास कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर सिटीजन जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है सिटीजन के डेमोक्रेटिक होने की, उसके नागरिक होने की। मैं NDTV के करोड़ों दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, आलोचनाएं की और बहुत गौर किया। उन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। ये पुरस्कार, ये सम्मान उन्हीं करोड़ों दर्शकों का है। मैं आज NDTV के सभी सहयोगियों को याद करना चाहता हूं, डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को भी याद करना चाहता हूं कि मेरे बोलने से उन्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है, और मालूम नहीं इस भाषण के ख़त्म होते होते कोई दूसरी FIR उनका इंतज़ार कर रहा होगा। मैं हिंदी का पत्रकार हूं, मगर मराठी, मलयालम, गुजराती, बांग्ला भाषी दर्शकों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो वहां के अखबारों ने इस सम्मान के मिलने के बाद लिखा है, मैं उसका आभारी हूँ। खासकर गुजराती अखबारों का, जिन्होंने काफ़ी दिलचस्पी लेकर मेरे बारे में लिखा, मैं गुजरात का आभारी हूँ। मुझे भारत के नागरिकों ने बनाया है। मेरे क्लासरूम में, इतिहास के क्लासरूम में, मैं अपने इतिहास के श्रेष्ठ शिक्षक को हमेशा याद करता हूँ कि मुझे दुनिया के बेहतरीन इतिहासकारों ने पढ़ाया है। मेरे आदर्श अनुपम मिश्र याद आ रहे हैं, जो मनीला चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ आए थे। अनुपम जी बहुत ही याद आते हैं। मेरा दोस्त यहाँ नहीं है, जो NDTV के बाहर के दोस्त हैं, चंद दोस्त हैं, मैं उन सब को भी यहाँ से बैठकर याद कर रहा हूँ। यहाँ मेरी पत्नी बैठी हैं, मेरी जीवन साथी, मेरी दोस्त और मेरी बेटियाँ। मैं नोएडा के पीछे चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। काबिल स्त्रियों के पीछे हमेशा चला कीजिए, आगे नहीं। अच्छा नागरिक
बना कीजिए, इस वक्त की बहुत ज़रूरत है, न सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में और दुनिया के तमाम मुल्कों में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रहमान मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मंच उपलब्ध कराया। जय हिंद।